दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आपके इस अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। तो दोस्तों आज हम जो हरियाणा पुलिस और ग्राम सीओर कैनल पटवारी का एग्ज़ाम जो बहुत जल्दी आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, तो फ्रेंड्स हम उसके लिए आपके लिए न्यू अपडेट लेके आए हैं जो कि हरियाणा जीके से रिलेटेड है, जिसमें से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उसको मैं पहले उसको स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिन भाइयों बहनों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। और फ्रेंड्स जिन्होंने कर लिया है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल यानी डिवीज़न बनाए गए हैं। 2 डिवीज़न बनाए गए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करनाल और फरीदाबाद। 2 नए डिवीज़न बने हैं, करनाल और फरीदाबाद। अब हरियाणा में अब ये 2 डिवीज़न बनने के बाद कुल कितने डिवीज़न हो गए हैं हरियाणा में? कुल 6 डिवीज़न। पहले 4 डिवीज़न होते थे फ्रेंड्स, अब कितने हो गए हैं? 6 डिवीज़न्स। आपको ये याद रखना है, कुछ बच्चे पीछे का ही उनको याद होता है तो वो ऑप्शन में जैसे ही 4 को देखते हैं उसी पे टिक करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये चेंज हो चुके हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें, उनको भी पता लगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उसके बाद हरियाणा के सभी मंडलों के नाम, यदि आपसे इन मंडलों के नाम पूछता है तो अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, आपके ये आपके मंडल हैं। अम्बाला मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो अम्बाला मंडल में ज़िले आते हैं आपके अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। करनाल में पूछे तो करनाल में 3 हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। रोहतक में पूछे तो रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। जो चरखी दादरी अभी जो नया ज़िला बना है, तो आपको याद रखना है कि नवीनतम ज़िला आप पलवल नहीं होगे, आप किसे टिक करोगे एग्ज़ाम में, चरखी दादरी को आपसे पूछा जा सकता है। तो गुरुग्राम मंडल में आपके गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और नू। ये नू आपका किसका नाम चेंज किया गया है? मेवात का नाम चेंज करके नू कर दिया गया है, गुड़गांव का नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया। आपको पता होना चाहिए इन दोनों बातों का। हरियाणा में कौन सी नई पुलिस रेंज बनाई गई है? अम्बाला। अम्बाला नई पुलिस रेंज बनाई गई है, अम्बाला पहले पुलिस रेंज नहीं थी। अब हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हो गई है? 5। हरियाणा के सभी पुलिस रेंज कौन कौन सी हैं आपसे पूछ सकता है? अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक, साउथ रेंज। साउथ रेंज में आपका जो मुख्यालय है वो रेवाड़ी है, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए। अम्बाला रेंज में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। करनाल रेंज में आपके आते हैं? करनाल, पानीपत और कैथल। हिसार रेंज में आपके? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, हाथी, जींद। रोहतक रेंज में कौन से ज़िले आते हैं आपके? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, दादरी और भिवानी। और आपके साउथ रेंज में आते हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नू। मैं नू को फिर बोल रहा हूँ, मेवात का नाम चेंज करके नू कर दिया गया है। हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी है? पहले 2 पुलिस कमिश्नरी होती थी, अब 3 पुलिस कमिश्नरी है, फरीदाबाद को भी बना दिया गया है। तो अब 3 उनके नाम पूछ सकता है आपसे, फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला। हरियाणा में कौन सा पुलिस ज़िला नया बनाया गया है? जो ज़िला नहीं है केवल पुलिस ज़िला, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है कि वो कोई ज़िला नहीं है लेकिन सिर्फ पुलिस ज़िला बनाया गया है उसको, तो वो है आपका हांसी। हांसी आपका क्या है? डिस्ट्रिक्ट न होके सिर्फ पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले वहाँ SP नहीं होता था, तो अब वहाँ पर क्या है उसका एक अलग से ही, उसका जो अलग से मंडल बना दिया गया है कि उस पर SP DSP अपने लेवल पे काम करेंगे, तो वो पुलिस ज़िला है न कि हरियाणा का ज़िला है। आपको क्लियर है ये बात अच्छी तरीके से? नेक्स्ट, हरियाणा का 22वां ज़िला चरखी दादरी, मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। देखो चरखी दादरी के बनने से काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं, मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लेता हुआ। मैं आपको बता दूँ कि चरखी दादरी बनने से पहले जो सबसे बड़ा एरिया जो होता था एरिया में भिवानी का आता था, सबसे ज़्यादा एरिया पूछ ले आपसे। लेकिन यदि पहले क्वेश्चन आता था कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है हरियाणा का ज़िला, तो हम टिक किस पे मारते थे? भिवानी पे। तो उस बच्चे अब भी ये गलती कर सकते हैं, आपको बता दें कि जो चरखी दादरी है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है,
बड़ा कैसे हो सकता है आप अंदाजा, क्योंकि उसका एक पोर्शन कट हो चुका है। तो अब जो यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप सबसे बड़ा जिला बताएंगे आप किसको, सिरसा को, आप सबसे बड़ा सिरसा को बताएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितनी नई तहसील बनाई गई है? 10 नई तहसील, 11 उप तहसील। ठीक है, हम आपको सारे बताएंगे अब कितनी हो चुकी है इनके बनने में, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कितनी नई तहसील बनाई गई है, 10, और नई उप तहसील 11। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने ज़िले थे? तो इसमें 7 ज़िले थे, आपको पता होना चाहिए, अम्बाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। जब ये उस समय की बात है जब हरियाणा का राज्य बना 1 नवंबर 1966 की। हरियाणा का 21वां ज़िला पलवल था, सबको पता है, 13 अगस्त 2008 को बना था। कुछ बुक में इसकी डेट 15 अगस्त भी हो सकती है, तो जो एग्ज़ाम में आप टिक आए वो आप कर दोगे। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में है? ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो नारनौल में है, बाकी जितने भी ज़िले हैं उनका मुख्यालय उन्हीं के शहर में है, लेकिन महेंद्रगढ़ एक इकलौता ऐसा ज़िला है जिसका मुख्यालय उसके शहर में न होकर, वहाँ न होकर किसी अन्य दूसरे प्लेस पे है, तो वो नारनौल में है। मैं अब आपको बता दूं कि क्या परिवर्तन हुआ है, कितने ज़िले, मंडल, उपमंडल, तहसील, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। आपको ये बिल्कुल एक तोते की तरह रख लेना है इसको। ज़िले 22 हो चुके हैं, मंडल आपके कितने हो चुके हैं? 6। उपमंडल अब आपके कितने हो चुके हैं? 74। तहसील 93। उप तहसील 50। ब्लॉक 140। कस्बे 154। ग्राम पंचायत 6212 और गांव टोटल 6841। पंचायत समिति 119। जिला परिषद कितने हैं अब? 21। नगर पालिका परिषद 21। लोकसभा सदस्य 10। विधानसभा सदस्य 90+1 और राज्यसभा सदस्य 5। आपको पता होना चाहिए, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। जिले 22, मंडल 6, उपमंडल 74, तहसील 93, उप तहसील 50, ब्लॉक 150, कस्बे 154, ग्राम पंचायत 6212, विलेजेस 6841, पंचायत समिति 119, जिला परिषद 21, नगर पालिका परिषद 21, लोकसभा सदस्य आपके 10। जिला परिषद और नगर पालिका परिषद की संख्या बराबर है दोनों में, 21-21, जिले 22। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और ये अपडेटेड नॉलेज आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कर ज़रूर करना, क्योंकि इससे हमारा भी हौसला अफजाई होता है, हमारा भी दिल करता है कि हम नई नई वीडियो बनाएं, और अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप हमारी इस वीडियो को करें। और जो हमारी ये बालाजी कोचिंग क्लासेस है, सिर्फ हमने ये ऑनलाइन देने के लिए, अब इसके बाद मैं बहुत जल्द ही आपके जो साइंस के लिए वीडियो भी मैं आपको लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को क्वेश्चन साइंस में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास कुछ साइंस के अच्छे क्वेश्चन हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैं उनको भी एक बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूँगा ऐसे क्वेश्चन न होके, तो मैं वो भी एक प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी व्यस्तता के चलते नहीं बन पा रही हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कोचिंग क्लासेस में आप भी हिस्सा लें, कुछ सीखें, हम आपसे सीखें। यदि आपको कुछ लगता है कुछ गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, हमारे लिए भी हो सकता है कि एक ज्ञान का स्रोत कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक्स फ्रेंड्स।